क्षेत्र में ड्रेनेज की समस्या है क्योंकि पानी की निकासी नहीं है, इंडस्ट्री में पानी के पीने का कनेक्शन नहीं है, प्राधिकरण द्वारा कनेक्शन दिए जाने चाहिए, इसको भी आप जरा देख लें। फायर ब्रिगेड की स्थापना एवं उसका सुदृढ़ीकरण शीघ्र कराया जाए जिससे क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना घटित न हो। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बने, ये कमेटी पहले ऑलरेडी बन चुकी है मनोज कुमार सिंह के जमाने में भी और भी, आप इसे नोट कर, जिसमें डीएम एसएसपी और डीआईसी के जीएम और इंडस्ट्री के द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बने जिसमें जिलाधिकारी महोदय के अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अग्नि के 3 वरिष्ठ पदाधिकारी हों। यह कमेटी उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए हो, जैसे एक्साइज सेंटेक्स डीडीएफ के अधिकारी या कर्मचारी किसी भी औद्योगिक इकाई में जब तक प्रवेश न करें तब तक उप कमेटी को सुबह सूचना दे, इसके पश्चात प्रवेश हेतु कमेटी की अनुमति मिलना आवश्यक है। पहला वो है सर, डीएम साहब के एसएसपी साहब और जो कमेटी है उनको बताया जाएगा फलानी फैक्ट्री में ये हो रहा है, उन्हें सूचना दे दो। मान लो कोई फैक्ट्री में जाए किसी अधिकारी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी फिर किसी की नहीं होती है, फिर वो कमेटी की जिम्मेवारी होती है। तो एक बीच में कमेटी नहीं है, तो मैं डीएम महोदय से कहूंगा इस कमेटी को इसका फिर कैसे उत्थान कर दें। उद्योग बंधु की मीटिंग विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में लगभग 3 साल से नहीं हो पा रही है, सुदेव जी ये पहले से होती आ रही लेकिन योगीनाथ जी के जमाने नृपेंद्र मिश्र के जमाने सब, परंतु किसी कारणवश कुछ सीओ ऐसे आए हैं कि जिनकी वजह से उद्यमियों के जमा काम नहीं होंगे, केवल जाएंगे आ जाएंगे तो फायदा कुछ नहीं है, इसलिए नहीं हो रही थी। तो डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब आए महट में, उन्होंने कहा भाई मीटिंग क्यों नहीं कर रहे, तो 30 तारीख को हमारी यहाँ मीटिंग थी, तो पहली तारीख की मीटिंग उन्होंने वहाँ रखी, हमने यहाँ जब तक कि कोई काम नहीं करेगा हमने मना कर दिया कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे, बहिष्कार कर दिया। अब क्योंकि मनोज सिंह जी के बारे में मेरे से कई आईएएस रहे और कई आदमी बताया कि वो काम करने वाले हैं, उन्होंने मुझे बुलाया भी, मैं उनसे भी लिखाया, उन्होंने कहा भाई काम होंगे, मीटिंग आपके आपके यहाँ हो जाएगी, जहाँ आप चाहते हो वहाँ मीटिंग हो जाएगी। मुझे मैंने कहा आप चाहे जहाँ बुलाना चाहते हो वहाँ बुला लो, पर उद्यमियों को काम होना चाहिए, हमें काम से मतलब है, हमें जहाँ आप चाहते हो वहाँ जाएंगे। तो बाकी तो मैं प्राधिकरण के बारे में इसलिए नहीं कहूँगा, आप तो समझदार हैं, ज़्यादा कहना तो ठीक नहीं है।